धाकड़ कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी धाकड़ परिवार के बच्चों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं कुछ करंट अफेयर्स के साथ में, देखते हैं पहला करंट अफेयर। चलिए, ये पहला करंट अफेयर्स है ये, अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर पीस, यानी साहब अंतर्राष्ट्रीय दिन शांति के लिए। ये कल ही हमने इसके बारे में पढ़ा था और ये मैंने आपको बताया भी था, तो ये आज प्रश्न भी आ गया है। तो मेरे को बताएंगे साहब, अंतर्राष्ट्रीय दिन ये शांति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को मनाया जाता है? जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि इंटरनेशनल डे फॉर पीस निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को मनाया जाता है, जल्दी बताएंगे मेरे को। चलिए, अगर हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ये इंटरनेशनल डे फॉर पीस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 21 सितंबर, तो 21 सितंबर को हर दिन इंटरनेशनल डे। अमन गुड मॉर्निंग, हरीश गुड मॉर्निंग, अनीता गुड मॉर्निंग। तो साहब ये अंतर्राष्ट्रीय दिन, गुड मॉर्निंग चौधरी साहब, वीआर के वीआर चौधरी। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर पीस, यानी साहब अंतर्राष्ट्रीय दिन शांति के लिए मनाया जाता है। अगर बात करते हैं, अगर इसकी बात करते हैं तो ये कुछ नहीं, पीएफ साहब प्रीस हारमोनी विश्व भर के अंदर ये कहती है कि साहब ये होनी चाहिए और सबको साथ में मिलकर रहना चाहिए, ऐसी बातें ये सब करते हैं। गुड मॉर्निंग संजय। चलिए अब बात करेंगे, ये दूसरी न्यूज है कि हाल ही के अंदर, अच्छा मैंने आपको कल ही एक चीज बताई थी कि साहब सरकार किसानों की मदद करने के लिए ये बोलती है कि भैया अगर तुम्हारे मार्केट के अंदर तुमको सही दाम नहीं मिलता है तो हम तुम्हारे लिए खास चीज करेंगे। रौनक गुड मॉर्निंग, कमलेश गुड मॉर्निंग, अनुराग गुड मॉर्निंग, चलिए राकेश गुज्जर गुड मॉर्निंग। अच्छा अब यहाँ पर सरकार ये करती है कि भैया, शिव गुड मॉर्निंग, चलिए विजय गुड मॉर्निंग। तो सरकार ये करती है कि भैया अगर तुमको साहब मार्केट में सही दाम नहीं मिलता है तो हम कुछ एक पैमाना सेट करेंगे, या फिर मार्केट के अंदर हम क्या करेंगे कि एक मिनिमम प्राइस रखेंगे। अगर मार्केट में तुम्हारा माल कोई नहीं खरीदता है तो कोई बात नहीं, उस मिनिमम प्राइस पे या फिर उस न्यूनतम दर पे हम तुम्हारा सामान खरीदेंगे जिससे तुमको नुकसान नहीं होगा। तो इसे अपन दोस्तों क्या बोलते हैं, हमने इसे देखा था, इसे MSP बोला जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अभी तो दोस्तों मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, हमने कल ही देखा था साहब रबी फसलों के लिए ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। रबी फसलें यानी जो फसलें अभी कटने वाली है, ठीक है, तो वो जो फसलें अभी आने वाली है मार्केट के अंदर, उन फसलों के लिए साहब यहां पर ये प्राइस रखी गई। अगर बात करते हैं तो ये MSP जो है, जितने भी किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको इस बात से डराया जा रहा है कि भैया क्योंकि साहब खेती का निजीकरण किया जा रहा है, खेती का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। गुड मॉर्निंग अलका, गुड मॉर्निंग रमेश, गुड मॉर्निंग मंजू, संजय, शिव, विजय। तो अब क्योंकि खेती का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है तो उनको ये कह के डराया गया कि भैया जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसे हम पूर्ण रूप से हटा दिया जाएगा। तो यहां पर ही कहा गया, तो सरकार ने अभी साहब इसका पूरा विपरीत किया और यहां पर साहब जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो उल्टा बढ़ा दी। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं एवरेज की, कि पूर्ण रूप अगर सारी फसलों की एक साथ से एवरेज लेके बात करते हैं तो 2.1% बढ़ाया गया, लेकिन खास तौर पर 6 बड़ी फसलों के लिए एक ज्यादा बढ़ाया गया। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि साहब निम्नलिखित में से कितनी ये सब वस्तुओं के लिए या फिर कितनी चीजों के लिए ये MSP बहुत ज्यादा बढ़ाया गया, तो दोस्तों गोपाल गुड मॉर्निंग, तो ये क्या होगा दोस्तों 6, तो 6 बड़ी रबी फसलों के लिए साहब ये मुख्य रूप से MSP बढ़ाया गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहां पर देखते हैं तो ये कौन कौन सी फसलें हैं, जैसे कि साहब गेहूं, चना, मसूर, मस्टर्ड यानी साहब हल्दी, जवार, ये सूरजमुखी या फिर सनफ्लावर, इनकी साहब अगर बात करते हैं इनके पैसे 50 रुपए से लेकर 300 रुपए के बीच में इन सब के अंदर थोड़े थोड़े पैसे बढ़ाए गए हैं सरकार के द्वारा, ये सब बढ़ाया गया। चलिए, तो ये साहब एक तरीके से हर के लिए कुछ कुछ अलग अलग सरकार ने बढ़ाया ताकि किसानों के जो दाम है वो अच्छे मिल जाए। तो ये अलग अलग इसका डेटा है, डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सरकार ने जरूर बढ़ाया है किसानों की मदद की। तो MSP जैसे हमने बात कर लिया कि सरकार कम दर पे, जिस दर पे जो सरकार एक तरीके से किसानों से सामान खरीदती है उसे MSP कहा जाता है, ठीक है। और ये इसीलिए है MSP इसलिए है क्योंकि कई बार किसान को मार्केट के अंदर क्योंकि प्राइस ऊपर और नीचे होती है। गुड मॉर्निंग छेलू भाई साहब, अब मार्केट के अंदर क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे होती है तो इस ऊपर नीचे प्राइसेस में किसी तरीके से जो किसान है उसको नुकसान ना हो, किसान है उसको घाटा ना हो, इसीलिए ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस दोस्तों रखी जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, तो ये हमने बात कर ली, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि साहब देखो मैंने तुमको एक न्यूज़ बताई थी साहब इंडियन एक्सप्रेस की, जिसके अंदर एक लेडी थी और वो सुप्रीम कोर्ट की जज थी। दोस्तों मैंने बताया था साहब इसका निधन हो गया, मैंने कहा बस इसका नाम देख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
ठीक है, शायद परसों की क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया था, आज इस पे क्वेश्चन आ चुका है। उस औरत का नाम है दोस्तों रूथ बडार गिंसबूर। अब ये दोस्तों ये औरत क्या है, देखो अमेरिका के अंदर ऐसा होता है कोई भी अगर सोशल एक्टिविस्ट होता है, हमारे यहां पर तो क्या हम सिर्फ कुछ ही साहब फिल्मी सितारों को हीरो मानते हैं, लेकिन यूएस जैसे देशों में एडवांस्ड कंट्रीज के अंदर जो सिविल सोसाइटीज के लोग होते हैं जो समाज के लिए अपना मुख्य रूप से योगदान देते हैं, दोस्तों सिर्फ पैसा ही योगदान नहीं होता, योगदान मुख्य रूप से होता है समाज में आगे आकर सही चीजों के ऊपर मुद्दों के ऊपर आगे आकर अच्छे निर्णय लेना, अच्छे कड़े फैसले लेना, उनके समाज के अंदर उन लोगों को हीरो माना जाता है। तो ये एक तरीके से जो वुमेन राइट्स है या फिर औरतों के अधिकारों के लिए बात करने वाली एक बहुत ही प्रमुख रूप से लेडी थी, साथ साथ में पावरफुल भी लेडी थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जज थी और अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट इंडिया के सुप्रीम कोर्ट की तरह बहुत पावरफुल है, तो वुमेन राइट्स की भी बात करती थी। और ये लेडी एक आइकॉनिक लेडी थी क्योंकि इसे दो बार दोस्तों कैंसर हो चुका था और दो बार कैंसर ये लड़के वापस ठीक हो गई थी और लोगों के लिए एक मोटिवेशन थी वहां पर, है ना भाई, जो आदमी खराब स्टेज से गुजरने के बाद निकल जाता है तो वो लोगों के लिए मोटिवेशन होता है भैया हम भी कर सकते हैं, और वुमेन राइट्स की भी बात करती थी। तो एक आइकॉनिक फिगर थी, बहुत ही फेमस फिगर थी यूएस के अंदर। तो यूएस के लिए इनका जाना एक तरीके से नुकसान है बहुत बड़ा, तो इनका नाम है रूथ बडार गिंसबूर और ये क्या थी दोस्तों कौन से देश के लिए थी, यूएस की देश की सुप्रीम कोर्ट जज थी। ऐसी दिखती है ये सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रूथ बडार, इनकी हालांकि इनकी अभी डेथ हो गई है, आइकॉनिक थी वुमेन राइट्स के लिए, आइकॉनिक चैंपियन थी औरतों के अधिकारों के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे इसके अंदर रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैव एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ द कंपनी। अब देखो यहां पर क्या है, कंपनी लॉ कमेटी ऑन वन ईयर हु इज ठीक है। अब देखो यहां पर ये किया गया है हमारे मंत्रालय द्वारा, इज देयर इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, पवन सोनी सुप्रभात सर, सुप्रभात पूनम कुमार, गुड मॉर्निंग जयंत कुमार, गुड मॉर्निंग महिपाल, अमन छैलू, गुड मॉर्निंग। देखो इज देयर इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है, देखो कैंसर शॉर्ट में अगर मैं आपको बताता हूं, कैंसर का मतलब सिर्फ ये है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, सेल से ही हमारी सारी बॉडी बनी होती है, अगर ये सेल्स एकदम से साफ बहुत ज्यादा गति से बढ़ने लग जाते हैं जो उसका रोग ही नहीं होता है, तो उस वजह से ये होता है कि उसके आसपास के टिश्यूज, आसपास के जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो प्रभावित होकर वो खराब हो जाते हैं, जिस वजह से हमारी मृत्यु हो जाती है। जब ये एकदम से बढ़ने लग जाते हैं सेल्स, तो इसका ट्रीटमेंट सिर्फ यही है, मशीन लेके आओ जिसे हम कीमोथेरेपी बोलते हैं और जो सेल्स बढ़ रहे हैं उनको बस उस मशीन से मार दो। नुकसान ये होता है कई बार एक सेल्स को, एक सेल्स जिन सेल्स को मारना है उसके पास वाले सेल्स भी मर जाते हैं कई बार, जिस वजह से अगर मान लो गले पे किसी को कैंसर होता है तो कई बार उसकी गले का पूरा वो टेस्ट बड सब मर जाते हैं, दूसरे ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं, ये कैंसर का इलाज भी बहुत खतरनाक होता है। इसलिए खैर पवन सोनी और गुड मॉर्निंग सर हिंगलाज, तो इसका कुल मिला के यही है, अगर पैसे वाले अगर लोग हैं तो वो साहब बच सकते हैं इसे। कैंसर का सिर्फ एक ही साहब ये है कि बाहर का खाना मत खाओ, घर में अपने जो उगता है, घर में अपने जो बनता है वही खाओ, जितना अपन बाहर का खाना खाएंगे वो सारे प्रिजर्वेटिव्स वो गलत से डालते हैं, जिस वजह से कैंसर के हमारे अंदर लक्षण बढ़ जाते हैं दोस्तों, सिर्फ इतना ही है, इसका और कुछ नहीं। अब यहां पर हम बात करते हैं, तो यहां पर ये कंपनी लॉ की बात करते हैं, कंपनी लॉ दोस्तों क्या है, अगर हम बात करते हैं कई सारी, देखो हमारे देश के अंदर खास तौर से एक चीज है दोस्तों क्या, हमारे देश के अंदर जो हमारी न्यायपालिका है वो बहुत ही ज्यादा साहब एक तरीके से क्या बड़ी न्यायपालिका है, उसमें समय बहुत लगता है दोस्तों, बहुत ही समय तक बाद में साहब फैसले आते हैं, एक हो सकता है एक केस अगर चला गया तो 10 साल तक वो केस ही चल रहा है और 10 साल तक वो केस चलता रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहां पर हिंदुस्तान के अंदर, ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन कंपनियों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। दो कंपनियां अगर किसी विवाद में फंसी है दोस्तों, वो अगर कोर्ट में जाएगी तो प्रॉब्लम क्या होगी, एक कंपनी कहती है कि भैया इसने माल वाल सही से नहीं बना इत्यादि जो भी था, मान लो कि साहब 1000 करोड़ या 2000 करोड़ का किसी कंपनी का कोई मामला है। अब अगर मान लो 1000 करोड़ 2000 करोड़ का कंपनी का मामला है और अगर ये वो कोर्ट में लेके चले जाते हैं इस केस को, तो अब यहां पर क्या होगा, कोर्ट की हेयरिंग पे हेयरिंग, हिंदुस्तान में तो यही होता है, हेयरिंग पे हेयरिंग आएगी, जिस वजह से साहब अगर उनको नुकसान नहीं हुआ होगा उतना, लेकिन क्योंकि मामला वहां अटका पड़ा है, पैसा अटका पड़ा है और मार्केट में दोस्तों पैसा घूमता रहता है और पैसे का ब्याज लगता है, तो यहां पर क्योंकि इनका ब्याज लगेगा तो उस वजह से जितना नुकसान इनको शायद उस डील से नहीं हुआ होगा, एक दूसरे से नहीं हुआ होगा, उतना उस पैसे के अटकने से उतना नुकसान हो जाता है। इसलिए कंपनियां ये करती है कि भैया हम ये करेंगे कि हम एक अलग सिस्टम ये स्थापित करते हैं, इस सिस्टम के तहत ये पहले से ही संधि कर लेते हैं, पहले से एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भैया हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक ट्रिब्यूनल की स्थापना करेंगे और अगर भविष्य में हमारी कंपनी और भैया तेरी कंपनी के बीच में, हमारी कंपनी और आपकी कंपनी के बीच में विवाद हुआ तो हम इसके पास जाएंगे और ये संस्थान हमको साहब 60 दिन के अंदर ये साहब एक तरीके से हमारी चीज का समाधान करेगा।
करेगा, दोनों आपसी सहमति से करते हैं, और अगर समाधान होगा तो हम दोनों पे लागू होगा। एक तरीके से कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो इतना समय लगाता है उसके पास में ना जाए, और उसका दूसरा एक जुगाड़ बनाए, ऐसा कुछ जुगाड़ बनाए कि उनका टाइम भी बच जाए और उनका टाइमली फैसला भी आ जाए, है ना, समय पे फैसला आ जाए और टाइम भी खराब ना हो और ब्याज का पैसा भी ना लगे, ये सिस्टम। तो इसे अगर हम कहते हैं, सर जी आप क्लास पहली बार देख रहे हैं, नगरी धन्यवाद बच्चे इंगराज। अब यहां पर क्या है, ये जो सिस्टम है इसे अगर हम क्या बोलते हैं, ये जो सिस्टम होता है इसे अपन क्या बोलते हैं, ये कंपनी लॉ। तो कंपनियां अपने हिसाब से अपनी कानून व्यवस्था को आसान करने के लिए कोर्ट में ना जाकर दूसरे पैमाने ढूंढती है, उसे अपन बोलते हैं दोस्तों कंपनी लॉ। अब ये कंपनी लॉ कमेटी, ये उसके लिए साहब अलग-अलग क्या देती है साहब, सजेशन देती है, ये समिति सजेशन देती है कि भैया यहां पर ये सुधार हम और कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके जो अध्यक्ष कौन है साहब, देखो इनके जो अध्यक्ष थे वो पहले भी अध्यक्ष थे, सरकार ने इस अध्यक्ष को चेंज नहीं किया है, इन्हीं को ही वापस अध्यक्ष बना दिया दोस्तों। तो ये कौन है, यहां पर ये कंपनी सितंबर 2021 तक एक्सटेंड कर लिया है, इनका नाम है दोस्तों राजेश वर्मा। तो राजेश वर्मा पहले भी कंपनी लॉ के अध्यक्ष थे और अभी सरकार ने इन्हीं को ही रखा और वापस से बढ़ा दिया। तो सिंपल प्रश्न है कि साहब कंपनी लॉ का निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अध्यक्ष है, इसका नाम क्या होगा दोस्तों, इसका नाम होगा राजेश वर्मा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे इसके अंदर, अगला प्रश्न क्या है, अब ये कंपनी लॉ की साहब स्थापना कब की गई थी साहब, यहां पर इसकी स्थापना 2019 में की गई थी और ठीक है, और ये कानून आ गया था साहब 2013 के अंदर ही आ गया था। इसका मतलब सिर्फ यही है हिंदुस्तान के अंदर ऐसा एक माहौल बनाया जाए कि कंपनियां यहां पर आसानी से काम कर सके, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के फैसले बहुत लंबे जाते हैं, तो ऐसा एक सिस्टम बनाया जाए इन संस्थानों के द्वारा ताकि किसी भी कंपनी को कानूनी परेशानी ना झेलनी पड़े, बस इतना ही सिस्टम है, कई सारे इसके मेंबर्स होते हैं इत्यादि। ये एनक्लैट नाम से दोस्तों संस्थान है, अगर आपने थोड़ी बहुत भी न्यूज़ देखी होगी, नहीं भी देखी होगी तो मैं बता देता हूं, टाटा कंपनी का एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है एक व्यक्ति से जिसका नाम है दोस्तों साइरस मिस्त्री, आज भी उसकी थोड़ी न्यूज़ थी। तो ये जो टाटा कंपनी और ये जो विवाद चल रहा है साइरस मिस्त्री का, रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच में, ये भी अगर किसी संस्थान के पास गया था दोस्तों एनक्लैट के पास में गया था, और ये एनक्लैट के जो फैसले होते हैं दोस्तों वो लगभग सभी के ऊपर माननीय होते हैं, तो कंपनियां कोर्टों में कम जाती है, ऐसे संस्थानों में ज्यादा जाती है जो जल्दी साहब जल्दी जल्दी क्या करती है निर्णय ले लेती है और ढंग से काम करती है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे इसके अंदर, अभी नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर एयरबोर्न टेक्नीशियन के रूप में पहली महिला अधिकारी बन गई है। देखो ये बहुत ही साफ एक अलग चीज है कि हिंदुस्तान की सेना में पहले औरतों को नहीं लिया जाता था, फिर औरतों का इंडक्शन शुरू हुआ, यानी साहब हिंदुस्तानी सेना के अंदर औरतों को लिया जाने लगा। और मैं बताता हूँ जाना कोई ज्यादा टफ नहीं है, आसान है जाना, अगर किसी को जाना होता है तो ऐसा वो हम सोचते हैं कि भैया पता नहीं क्या क्या होता, कुछ नहीं होता, मेरे कई स्टूडेंट्स साहब ऑफिसर लगे। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर ये जो साहब ये इसकी बात करते हैं वुमेन ऑफिसर्स की बात करते हैं, तो यहां पर खास चीज क्या हुई है कि जो वुमेन ऑफिसर्स हैं इनको एक तरीके से किस रूप में लिया जाने लगा है, यहां पर एयर विंग के अंदर लिया जाने लगा, यानी साहब आजकल साहब उनको एयरक्राफ्ट चलाने को दे रहे हैं जो पहले नहीं दिया करते थे, अभी छूट मिली, ये वॉर एयरक्राफ्ट साहब बड़े बड़े हवाई जहाज वगैरह चलाने को मिले। नौसेना ने भी साहब यहां पर कुछ लड़कियां हैं इनको क्या दिया है साहब, इनको अभी नौसेना के अंदर ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है वुमेन ऑफिसर्स को, ताकि क्या चला सकती है ये हेलीकॉप्टर चला सकती है, दो लड़कियां हैं दोस्तों ये, ठीक है ये दो यहां पर एयरबोर्न ऑब्जर्वर स्टेटस दिया इनको हेलीकॉप्टर स्ट्रीमिंग का दिया है, और ये क्या कर सकती है दोस्तों लड़ाई के अंदर अब ये एयरक्राफ्ट भी चला सकती है, ठीक है। क्या नाम है, कुंबुद्दीन त्यागी और रीति सिंह, ठीक है ये दोनों लड़कियां हैं, इन दोनों को अभी हेलीकॉप्टर चलाने का एक तरीके से परमिशन मिल चुकी है, इनके लिए बहुत ही गर्व की बात होती है। रिसेंटली अभी हाल ही के अंदर यहां पर सेंटर केंद्र सरकार ने आउटले, अब देखो यहां पर क्या है हमारे देश के अंदर, धन्यवाद बच्चे एकदम सही है सही है सही है। अब देखो हमारे देश के अंदर हम बात करते हैं तो हमारे देश के अंदर देखो इनफॉर्मल सेक्टर दोस्तों, मैंने पहले भी बोला है हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से कैसी होती है, वो इनफॉर्मल सेक्टर होती है दोस्तों। इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसा सेक्टर जो कि साहब सरकार के अधिनियम सरकार के कंट्रोल में नहीं आता है, जो कि फ्री रहता है, जैसे कि साहब वो लुक्कड़ पे बैठने वाला कोई साहब दूध बेचने वाला, जैसे कि साहब कोई जूते सही करने वाला, जैसे कि साहब कोई ठेला लगाने वाला, जैसे कि चाय बेचने वाला, ये ना तो सरकार को टैक्स पे करते हैं और ना ही सरकार के नीचे आते हैं, ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है। लेकिन दोस्तों आज कोरोना काल के समय में जो ठेले वाले हैं ये बहुत ज्यादा इनकी हालतें खराब है, हमको पता है आजकल ठेले से कोई इंसान खाता नहीं है, कई बार सोचते पहले खा लेते थे कि भैया हाइजीनिक होगा कि नहीं होगा, कोरोना हो जाएगा बाहर नहीं निकलेंगे, ये जो लोग बिजनेस होते थे दोस्तों ये रोज कमाते थे और रोज का खाते थे, अभी इनकी हालतें बहुत खराब है, इन्हें वापस से साहब बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ पैसा चाहिए। सरकार भी अच्छे से जानती है, सरकार जानती है कि साहब इन लोगों को साहब एक तरीके से सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, और ये जो ठेले वाला जो सिस्टम है दोस्तों ये सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार प्रोवाइड करता है। आप सोचो बड़ी बड़ी कंपनियां भी इतना रोजगार प्रोवाइड नहीं करती होगी जितने ठेले वाला सिस्टम रोजगार ये देता है लोगों, क्योंकि कितने ठेले लोग लगाते हैं तो कितने लोगों को रोजगार मिलता है। तो यहां पर
सरकार के द्वारा एक स्कीम लॉन्च करी गई है जिससे ये क्या करेंगे, इसका नाम होगा पीएम स्वनिधि स्कीम। के तहत क्या करेंगे, जितने भी ठेले वाले हैं इनको क्या करेगी सरकार, एक तरीके सबको साथ थोड़ा थोड़ा पैसा देगी लोन के ऊपर। ये पैसा 10,000 से लेकर 50,00,000 के बीच में रहेगा, ये थोड़ा लोन के रूप में देगी। और ये लोन के रूप में दोस्तों दिया जाएगा तो इसके अंदर इनको कहा जाएगा बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे, 7% की इंटरेस्ट रेट पे दिया जाएगा। और बकायदा अगर ये पैसा टाइम पे देते हैं तो इनको एक इनाम के रूप में साहब कुछ पैसे राशि वापस दे दी जाएगी ब्याज के अंदर से भी। तो ये एक तरीके से इन लोगों की मदद करने की बात करिए ताकि ठीक है। तो ये साहब पीएम स्वनिधि स्कीम है, इसकी कुल लागत होगी साहब 600 करोड़। ठीक है, 600 करोड़ रुपए दिए जाएंगे लोगों को, दिए जाएंगे 10,000 से लेके 50,00,000 के बीच में, एक तरीके से लोगों को मदद की जाएगी। बहुत ही कम ब्याज दर पे दिया जाएगा ये पैसा ताकि जितने भी थैले वाले लोग हैं इन्हें वापस से पैसा मिल सके कोरोना काल खत्म होने के बाद, या फिर कोरोना काल जो ठंडा पड़ चुका है थोड़ा, है ना, बिजनेस वगैरह सारे चल रहे हैं तो ये अपना बिजनेस फिर से चालू कर सके और हाइजेनिक स्ट्रीट फूड हो गया कुछ भी हो गया तो उसमें ये अपना काम कर सके। चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे तो ये पीएम की दोस्तों योजना है, नेक्स्ट देखेंगे। अब ये पीएम स्वनिधि स्कीम की बात करते हैं तो ये हमारे तो हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने 1 जून को स्टार्ट करी थी। यहां पर देखो जैसे बता रहे हैं 10,000 तक का से लेके 50,00,000 तक का लोन ये ले सकते हैं एक साल के लिए, 7% इसकी इंटरेस्ट रेट होगी। और आप जल्दी जल्दी 7% दोस्तों बहुत कम होती है, ठीक है, 7% पूरे साल की तो कंपेरेटिवली बहुत कम है। चलिए अगर बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्च ई पीक पहनी। अब देखो दोस्तों ई का मतलब हमेशा इंटरनेट होता है, ठीक है, जहां पे ई लगा दिया इसका मतलब इंटरनेट। तो ई पीक पहनी इसका मतलब क्या है, जो महाराष्ट्र की सरकार है दोस्तों उसने किसानों, देखो यहां पर दोस्तों समझो, हम कई बार ये समझ नहीं पाते कि साहब महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर इतनी बरसात होती है, जहां पर इतनी बरसात होती है महाबलेश्वर के अंदर इतनी बरसात होती है कि वहां पर साहब कई नदियां निकल जाती है। तो ये क्या कारण है कि साहब यहां पर इतनी बरसात होने के बावजूद भी साहब महाराष्ट्र के अंदर हमको किसानों की मृत्यु के साहब आंकड़े देखने को मिलते हैं। इसका कारण दोस्तों ये है, महाराष्ट्र अगर मैं यहां पर देखता हूं ये तो यहां पर मुख्य रूप से एक पर्वतमाला है दोस्तों, इसका नाम है पश्चिमी घाट। ये दोस्तों जो पश्चिमी घाट है इसके जो इस साइड वाला एरिया है यहां पर, ये जो एरिया है दोस्तों यहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, यहां पर बारिश दोस्तों बहुत ही ज्यादा होती है, ये नीचे केरला तक बहुत ज्यादा होती है लेकिन यहां पर आप बोल सकते हो महाराष्ट्र में तो होती है। जब यहां पर ये मान लो ये महाराष्ट्र है, अब यहां पर तो बारिश बहुत ज्यादा होगी लेकिन जो ये वाला क्षेत्र है दोस्तों यहां पर ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के अंदर दोस्तों बारिश बहुत कम होती है। इसका कारण होता है हमारा जो साहब बादल आते हैं मॉनसून आते हैं वो इस तरीके से आते हैं। जब ये मॉनसून आते हैं तो बादल टकराते हैं दोस्तों साहब पहाड़ों के साथ में, और पहाड़ों से साहब बादल टकराने के बाद में इस समुद्र के इस साइड दुनिया भर की बारिश कर देते हैं। और जब बादल टकरा के इधर आते हैं यानी इस क्षेत्र के अंदर आएंगे तब तक साहब बादलों के अंदर पानी ही नहीं होता है, और क्योंकि बादलों में पानी नहीं होता है तो वहां पर बारिश होती ही नहीं है, जिस वजह से महाराष्ट्र के एक तरफ मुंबई जैसे क्षेत्र में बहुत बारिश होती है और दूसरे पीछे के क्षेत्र में आते हैं जिसे मराठवाड़ा वाला क्षेत्र कहा जाता है वहां पर सूखा ही सूखा पड़ता है दोस्तों, ये एक सच्चाई है, ठीक है। तो यहां पर उसका कारण क्या है, बीच में ये पहाड़ आते हैं दोस्तों जिनका नाम है पश्चिमी घाट, जैसे या फिर हम इसे क्या बोलते हैं दोस्तों वेस्टर्न घाट। तो यहां पर किसानों की सहूलियत के लिए जो उद्धव सरकार है या फिर जो महाराष्ट्र सरकार है जो अभी बहुत ज्यादा ये सब प्रश्न के घेरे के अंदर है, इसने स्कीम निकाली है कि भैया आप ये कर सकते हो, आप जो भी आपकी फसल खड़ी है उसकी आप फोटो लेके उसको इंटरनेट पर डाल सकते हो और उसके ऊपर आपको सजेशन मिल जाएंगे कि भैया कौन सी पेस्टिसाइड यूज कर सकते हो, कि भैया क्या इसके अंदर और अच्छा कर सकते हो, कैसे फसल को सुधार सकते हो, इस फसल के आपको दाम कितने मिल जाएंगे। तो किसान को एक तरीके से राजस्थान के करंट अफेयर्स की क्लास होती है क्या बच्चे, ये मैं मेरा भी एग्जाम आ गया लेकिन मैं जरूर लगाऊंगा इसके अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स का, एक साथ में एक महीने का एक कंपेडियम बना दूंगा और वो मैं आपको दे दूंगा, कोशिश रहेगी मेरी पवन, ठीक है, कोशिश रहेगी मेरी। चलिए अब यहां पर एक कोशिश ये करती है कि भैया उस ऐप के अंदर फोटो ली तो पूरी फसल की एक तरीके से आपने फोटो ले ली और उसके अंदर आपको पता लग गया कि भैया इसमें ये बदलाव हम कर सकते हैं और ये फसल मार्केट में इतनी की बिक जाएगी। तो इंटरनेट से संबंधित है महाराष्ट्र की सरकार ने ये स्कीम लॉन्च करी, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, महाराष्ट्र। नेक्स्ट बात करेंगे इसके अंदर, ये हो गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की बात करेंगे, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे इन्होंने बोला है कि ई पीक पहनी ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है जिसके हिसाब से ई पीक पहनी ऐसी दिखती है मोबाइल एप्लीकेशन। नेक्स्ट बात करेंगे महाराष्ट्र ये साहब, अच्छा देखो यहां पर मैं आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, आज नो डाउट पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बताऊंगा पवन, और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्लास में एक चीज बताऊंगा कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर अभी बहुत ज्यादा ये जो यूएस है ये इंडियन ओशन या फिर हिंद महासागर के अंदर बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, और साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि क्या कारण है यहां पर कि चाइना भी हिंद महासागर में बहुत इंटरेस्ट लेता है, बार बार श्रीलंका के अंदर साहब ये पोर्ट लेता है, बार बार साहब मालदीव के पास में जाता है, क्यों इंडिया ने इतना पैसा जो 300 मिलियन
डॉलर का जो जैसा लोन दिया है कोरोना काल के अंदर उसको मालदीव को देना पड़ा। ऐसी मालदीव के पास में क्या खास बात है, ये सारी चीज हम समझेंगे साहब आज लास्ट के अंदर जो एक तरीके से जो सेशन लेता हूं मैं उसके लास्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ट्रेड रूट्स क्यों इंपॉर्टेंट है और यहां पर यही कारण है कि साहब यहां पर महाराष्ट्र एक वेल्दी स्टेट इसलिए नहीं है कि साहब वहां पर बहुत व्यापारी है, वेल्दी स्टेट इसलिए है महाराष्ट्र क्योंकि वहां पर बहुत ही पहले से काफी पहले काल से अरब लोग आते थे साहब दोस्तों व्यापार करने के लिए। उसका भी एक कारण था, वो ऐसे ही महाराष्ट्र में दोस्तों नहीं आते थे, कुछ हवाएं ऐसी चलती है जो साहब एक तरीके से जिन्हें मॉनसून पवने कहा जाता है, जो जहाज को अगर रख दोगे तो उन्हें चलाने की भी जरूरत नहीं है, हवाओं के सहारे वो धीरे धीरे अपने आप महाराष्ट्र के शोर पर या किनारों के ऊपर आ जाया करती थी। और बाद में जब उल्टा सीजन होता था यानी सर्दियों का सीजन होता था तो वही हवाएं उल्टी चलती थी दोस्तों, वही हवाएं उल्टी चलती थी और वापस से अगर जहाज को रख दोगे तो हवाओं के मजे मतलब उसके साथ साथ आप वापस अपने अरब वहां पर देश पहुंच जाओगे तो लोगों को सहूलियत कितनी होगी सोचो। आप जहाज में बैठे, जहाज को हवा से साहब बंबई लेके आ गया और उसी जहाज को वापस बंबई से वो अरब देशों में लेके चले गए। यही कारण है महाराष्ट्र आज भी व्यापार के रूप में देखा जाए तो सबसे ज्यादा वेल्दीएस्ट है, सबसे ज्यादा पैसे वाला देश है। ठीक है, और ऑल मेजर इकोनॉमिक पैरामीटर्स ठीक है, और यहां पर इसलिए ही साहब ये सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड या फिर औद्योगिक देश है दोस्तों। यहां पर इंडस्ट्रीज या फिर साहब उद्योग इसीलिए इतना पनपा क्योंकि इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, क्योंकि इसकी जो भौगोलिक जो जगह है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैं तुम दोस्तों तुमसे ये पूछूं कि भैया जोधपुर इतना क्यों पनपा, जोधपुर के पनपने का कारण क्या है, उसका दोस्तों मैं बताता हूं एक छोटा सा, तुमको दो मिनट लगेंगे। जोधपुर इसलिए पनपा क्योंकि दोस्तों यहां पर दिल्ली है और यहां पर गुजरात का तट है, यहां पर होती है ट्रेडिंग, तो दिल्ली से सारा माल यहां से गुजरात में जाता है और गुजरात से इस रास्ते वापस सारा माल दिल्ली जाता है। दो जोधपुर बच्चे दोस्तों बीच में, तो ये बेसिकली साहब दिल्ली और गुजरात के एकदम बीच में जो जगह है दोस्तों वो जोधपुर है, क्योंकि जोधपुर है तो जितने भी साहब पहले के समय व्यापारी चलते थे वो दिल्ली से चलते थे और जोधपुर में रुकते थे और जोधपुर के बाद में साहब वहां पर गुजरात जाते थे, तो बीच में जो रुकने का पॉइंट था दोस्तों वो और कोई नहीं साहब जोधपुर ही था। इसीलिए जोधपुर इतना साहब इंपॉर्टेंट शहर बन गया क्योंकि एक ट्रेड रूट पे था, एक व्यापारिक रास्ते पे था। ठीक है, चलिए करंट अफेयर्स कौन सी बुक पढ़े सर, बताऊंगा बच्चे हल्का बताऊंगा मैं। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया साहब महाराष्ट्र की। अच्छा, महाराष्ट्र की बात करते हैं तो ये मराठा एम्पायर, मैं कोशिश ये भी करूंगा साहब साथ साथ में, जैसे एक बच्चे ने रिक्वेस्ट किया है कि एनवायरमेंट की सर थोड़ी सी बात करो क्योंकि एनवायरमेंट का थोड़ा सा पोर्शन पटवारी के अंदर आया है, तो मैं कोशिश ये भी करूंगा लास्ट के अंदर किसी दिन आपको एनवायरमेंट की थोड़ी सी बातें बता दूंगा क्योंकि वो आपके पटवारी के अंदर इंपॉर्टेंट है। तो एनवायरमेंट संबंधित कुछ फैक्ट्स और उससे संबंधित चीजें मैं आपको बता दूंगा, मैं खुद ही पढ़ा दूंगा। ठीक है, व्यापारिक पवने क्या होती है बताएंगे बच्चे, ज्योग्राफी का है लेकिन जरूर बताएंगे आपको। अब यहां पर बात करेंगे तो मराठा व्यापारिक पवने बताएंगे, चलिए। और ये अगर बात करते हैं तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो एक बहुत ही पुराना टर्मिनस है, किधर है, मुंबई के अंदर है इत्यादि, ये तो बाकी सारी बातें नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसके अंदर महाराष्ट्र हाल ही के अंदर न्यूज में क्यों था, महाराष्ट्र देखो कुछ कारणों से दोस्तों न्यूज में था, वापस से अगर हम रिवीजन करें तो महाराष्ट्र एक तो इसलिए न्यूज में था दोस्तों क्योंकि इसने साहब मराठों के लिए क्या कर दिया साहब, एक तरीके से रिजर्वेशन दे दिया, मराठी लोगों के लिए रिजर्वेशन दे दिया साहब यहां पर महाराष्ट्र के अंदर, इन्होंने मराठा कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन दे दिया, इन्होंने एक एम्बुलेंस स्टार्ट की, एम्बुलेंस स्टेटस शुरुआत की जो कि ऑक्सीजन ले जाती है, ऑक्सीजन यानी साहब एक तरीके से अगर कोई गाड़ी ऑक्सीजन लेके जा रही है तो उसे एक एम्बुलेंस का स्टेटस दे दिया क्योंकि इन्हें पता है कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन कितनी महत्वपूर्ण है। यह किया, जो मराठी लोग होते हैं यानी जो महाराष्ट्र में मराठी लोग होते हैं उन्हें एक तरीके से स्टेट में या फिर राज्य में रिजर्वेशन देने की बात कर दी, हालांकि हाई कोर्ट ने उसके ऊपर दोस्तों स्टे लगा दिया, ये उन्होंने बात कर दी। इन्होंने संजय गांधी नेशनल पार्क की भी शुरुआत कर दी जो 600 एकड़ के अंदर बना है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, चलिए ये खास बात है इसके अंदर महाराष्ट्र की। नेक्स्ट देखेंगे तो ये दोस्तों बैंक एसएससी पटवार, बैंक का 6000, एसएससी का 6000, पटवार का 4000, एयरफोर्स का 3000, कांस्टेबल का 2000 और रेलवे का 3500, ये कोर्स सारे अवेलेबल है, अगर किसी को साहब यहां पर इसकी जरूरत हो आप ले सकते हो कंगना। चलिए, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो साहब चंदोली नेशनल पार्क, गुलमाल नेशनल पार्क, नावेगाम, पीच, संजय गांधी और टाडोबा नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क है जो दोस्तों किधर है, महाराष्ट्र के अंदर है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे, अगर अच्छा ये एक अगली है साहब, हाल ही के अंदर देखो क्या किया गया है, हमें ये पता है कि साहब केवाईसी, कईयों के साहब अगर केवाईसी नहीं जुड़ा हुआ होगा
तो आपको बकायदा बार बार रिमाइंड कराया जाता होगा कि भैया नो योर कस्टमर, या फिर अपना साहब केवाईसी करवा लें। अगर ये केवाईसी हाल ही के अंदर साहब एक ऐसा बैंक है, इसने ये बोला है कि भैया आपको अगर टाइम नहीं है किसी प्रकार से केवाईसी अगर आप नहीं करवा सकते, एक काम करें अपने घर पे साहब वीडियो कॉल कर लें हमको, हम वीडियो कॉल पे ही दोस्तों आपका केवाईसी कर लेंगे। ये जो केवाईसी करने वाला जो स्कीम है कि साहब वीडियो कॉल पे केवाईसी हो जाएगी, ये नए बैंक ने, एक बैंक ने नई स्कीम निकाली है दोस्तों। ये कौन सा बैंक है अगर बात करेंगे दोस्तों, एचडीएफसी। अगर बात करते हैं दोस्तों, एचडीएफसी वही बैंक है जो सबसे ज्यादा परफॉर्मिंग बैंक है, यानी सबसे अच्छी अगर हिंदुस्तान की कोई कंपनी है तो ये भी एचडीएफसी है। ये प्राइवेट सेक्टर में सबसे अच्छा परफॉर्मिंग बैंक भी है दोस्तों, ठीक है। इसका नाम क्या है? एचडीएफसी। तो यहां पर एचडीएफसी ने यहां पर बोल दिया नो योर कस्टमर, और इसके हिसाब से सीधा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपका केवाईसी इसके अंदर आपके अकाउंट में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर। अगर बात करते हैं इसकी स्थापना, तो साहब 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके फाउंडर थे हसमुख भाई पारिक, तो हसमुख भाई पारिक ने इसकी स्थापना करी थी। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई है, ठीक है। अगर बात करेंगे इसके की पीपल, तो इसके अंदर जो चेयरपर्सन है इसका नाम है श्यामला गोपीनाथ, और शशिधर जगदीशन इसके दोस्तों सीईओ है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब यहां पर बात करते हैं, ये यहां पर अगर हमने ये भी देखा था कि HDFC एक इस तरह का ब्रांड बन चुका है, जो ब्रांड Z करके एक रेटिंग आई थी उसमें ये बताया गया था अभी एक दो दिन पहले ही कि भैया HDFC टॉप मोस्ट ब्रांड है इंडिया का, सबसे अच्छा ब्रांड है इंडिया का, ठीक है। ये इसके अंदर बताया गया था और बहुत ही अच्छा है, काम भी कर रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे इसके अंदर, अगर हम देखते हैं तो ये सारे इंपॉर्टेंट ब्रांड बताए गए थे। HDFC एक नंबर पे है, सेकंड नंबर पे LIC है, थर्ड नंबर पे TCS है, फोर्थ नंबर पे एयरटेल है, फिफ्थ नंबर पे एशियन पेंट्स है, सिक्स नंबर पे कोटक महिंद्रा बैंक है, सेवंथ नंबर पे ये जियो है, एट नंबर पे फ्लिपकार्ट है, नाइन्थ नंबर पे पेटीएम है, और टेंथ नंबर पे SBI है। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज है जो अभी काम कर रही। नेक्स्ट बात करेंगे इसके अंदर, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। अब नेक्स्ट बात करेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब साहब यहां पर नेशनल टेक्निकल गजपाल सर क्लास कब क्लास कब होती है बच्चे, मैं बता दूंगा आपको, पता करें गजपाल सर क्लास कब होती है। चलिए अब नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो यहां पर ये जो संस्थान है दोस्तों नेशनल टेक्निकल, इनके हाल ही के अंदर एक नए अध्यक्ष बनाए गए। इनके अध्यक्ष की बात करूंगा, ये पहले साहब रॉ के अध्यक्ष। हमें ये पता है कि हमको टेक्निकल जो अपना संस्थान है वो हमको बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। इसका कारण ये है कि हमारी आंखें दोस्तों तब खुल गई जब चाइना ने एक तरीके से पूरे सब संस्थानों के ऊपर निगरानी रखना शुरू कर दी, तो हमारी आंखें खुल गई। हमें इस संस्थान को, ऐसे संस्थानों को जो टेक्निकल क्षेत्र के अंदर है, उन्हें बहुत ही भरपूर तरीके से बहुत ही पावरफुल करना पड़ेगा। तो एक खुद जो व्यक्ति जो रॉ के चीफ रह चुके हैं अमित शाह ने साहब इस संस्थान का उनको अध्यक्ष बनाया है। अगर बात करते हैं यहां पर, बात करेंगे यहां पर कि साहब यहां पर फॉर्मर रिसर्च रॉ चीफ जिसका नाम है अनिल धसमाना को हाल ही के अंदर NTRO का दोस्तों प्रमुख बनाया गया, ठीक है। अनिल धसमाना है, ये ऐसे दिखते हैं, और यहां पर इन्हें अमित शाह ने खुद बनाया है। धसमाना इज फॉर्मल, ये साहब IB के ऑफिसर भी रह चुके हैं, ठीक है। IB के ऑफिसर ने तो छोड़ दिया, अभी ये रॉ के चीफ है, इसके अध्यक्ष बने। नेक्स्ट बात करेंगे, ये NTRO एक टेक्निकल इंटेलिजेंस गैदरिंग ये एजेंसी इंडिया। अब देखो यहां पर बात करते हैं टेक्निकल इंटेलिजेंस गैदरिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, इसका मतलब है कि साहब किस तरीके से हम टेक्निकल तरीकों से हम इंटेलिजेंस दूसरे देशों की साहब ये जानकारी प्राप्त करें। हम तब एक्सपोज हो गए, हम तब हमारी एक पोल, तब पोल नहीं बोलूंगा पर हमारी कमी जब उजागर हो गई। स्पेशल क्लास लाएं, आप लाएंगे बच्चे, लाएंगे स्पेशल क्लास भी लाएंगे, चलिए ये भी लाएंगे मोहम्मद। अब यहां पर साहब टेक्निकलिटी तब एक तरीके से बहुत ही एक्सपोज हो गई जब हमें ये पता लगा कि एक तरीके से पूरा ही एक जो सिस्टम है अब हमारा वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है और चाइना सब पे स्पाई कर रहा है। तब हमने साहब NTRO नाम की साहब एक तरीके से एजेंसी की जो थी उसका अध्यक्ष हमने चेंज किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अभी ये हाल ही के अंदर जो इटालियन ओपन हुआ है, इसे हाल ही के अंदर वुमेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? चलिए जल्दी से बताएंगे इसका आंसर मेरे को कि इटालियन ये वो लेडी है जिन्होंने जीता है। तो यहाँ पर टॉप सीड सिमोना हलीप, ये इन्होंने पहला, इनका नाम है दोस्तों सिमोना हलीप, इन्होंने साहब हाल ही के अंदर ये जो इटालियन ओपन है इसका खिताब इन्होंने जीत लिया है। नेक्स्ट बात करेंगे अगला, चलिए हाल ही के अंदर अंगरीता, देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अंगरीता साहब ये एक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने साहब माउंट एवरेस्ट कई बार चढ़ा है
और ये साहब एक तरीके से एक कम्युनिटी होती है दोस्तों नेपाल के अंदर। इस कम्युनिटी का नाम होता है दोस्तों शेरपा कम्युनिटी। यह शेरपा कम्युनिटी बहुत ही खतरनाक कम्युनिटी है। इनकी बहुत पुराने समय से एक कोशिश रहती है और वो दोस्तों कोशिश क्या होती है, माउंटेन क्लाइंबिंग की, या फिर साहब पहाड़ चढ़ने की ये एक्सपर्ट होते हैं दोस्तों। हमने भी अगर हिंदुस्तान ने भी 1957 में यानी 1957 में अगर माउंट एवरेस्ट की अगर हाइट नापी है तो इस कम्युनिटी की मदद से ही नापी है। जितने भी लोग माउंट एवरेस्ट के दूसरे पहाड़ चढ़ने जाते हैं, एडवेंचर एक्टिविटी करने जाते हैं, तो बकायदा इस कम्युनिटी के साथ के बिना बहुत मुश्किल होता है। ये वहीं रहते हैं, इनका काम दोस्तों वही है, ये वही करते हैं और बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं शेरपा कम्युनिटी के लोग। तो यहां पर ये उसी कम्युनिटी से बिलोंग करती है। इनका नाम है अंगरीता और हाल ही में इनका निधन हो गया। 72 वर्ष की थी दोस्तों ये, 72 काफी टाइम से बीमार थी और शेरपा कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, ठीक है। और बाद में अभी हाल ही के इनकी डेथ हो गई 1996 के अंदर, ये माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़े थे। अगर शेरपा कम्युनिटी की बात करते हैं तो ये एक तरीके से कबीले लोग हैं जो नेपाल के अंदर हिमालयों के अंदर रहते हैं। ये काफी अच्छे होते हैं साहब यहाँ पर माउंटेन क्लाइंबिंग के अंदर। ये चाइना में भी थोड़े बहुत रहते हैं, थोड़े भूटान में भी रहते हैं और थोड़े सिक्किम देश के अंदर भी दोस्तों रहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो ये भाई धाकड़ कॉन्सेप्ट का ऐप है, बैंक हो गया, SSC हो गया, पटवार हो गया, पुलिस कांस्टेबल हो गया, रेलवे हो गया और एयरफोर्स हो गया। इसमें आप एक कोर्स अवेल कर सकते हैं। अब बात करेंगे देखो थोड़ी न्यूज़ की। अब देखो यहाँ पर ये बात करते हैं साहब, अब देखो एक बहुत ज़्यादा हमने कुछ समय पहले देखा था कि एक साहब संस्थान है जो अमेरिका का संस्थान है जो ये बताता है मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है, 10 times without ऑक्सीजन, बिल्कुल बच्चे बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर तो साहब एक तरीके से यहाँ पर एक हम देखा था कि साहब एक मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, ब्लैक मनी को एक जगह से दूसरी जगह करना और उसे व्हाइट का काम करना, तो इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाली साहब हमने देखा था अमेरिका की एक एजेंसी है जो ये बताती है कि साहब कितनी ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी और हाल ही में उसने कई सारी कंपनियों को एक्सपोज कर दिया जिसमें कई सारी भारतीय कंपनियां भी थी। तो यहाँ पर ये बताती है एक कंपनी है दोस्तों, इसका नाम है मैक्स, कंपनी का नाम है मैक्स, और इसके चेयरमैन के बारे में बताती है कि इसने बहुत ज्यादा एक मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है जो हिंदुस्तानी कंपनी है। फिलहाल मैक्स तक ही सीमित है बातें, अब आगे खुलेगी तो और आगे देखेंगे। फिलहाल मैक्स कंपनी के चेयरमैन के ऊपर आरोप लगे हैं। अब बात करते हैं यहां पर, ये एक बड़ी एक न्यूज है, छोटी मोटी न्यूज आप ये देख सकते हो कि लद्दाख के अंदर हमने ये देखा था कि नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में, मैंने तुमको प्रॉपर डिटेल में बताया था कि नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों के अंदर कुछ काउंसिल्स बनती है दोस्तों, वहां पर कबीले लोग हैं। कबीले लोग अभी हाल के अंदर सामाजिक बड़े रूप से सामाजिक परिस्थितियों को नहीं समझते हैं, वो आज भी थोड़े कबीले लोग हैं, तो उन्हें ये चाहिए कि साहब हम हमारी कबीलाई रीति रिवाज से ही हम आगे बढ़े, हमारा सिस्टम हमारे हिसाब से चलेगा। तो हिंदुस्तान का अगर कोई कानून है तो पहले वो कानून पूरे देश पर लागू होता है, बाद में उसकी जो काउंसिल होती है, कबीलाई काउंसिल होती है, उसके पास जाता है। कबीलाई काउंसिल अगर यस करती है उसके बाद में ही फलानी स्कीम, फलाना कानून उनके ऊपर लागू होता है दोस्तों। यहां पर ये जो लेह और लद्दाख के जो लोग हैं ये भी चाहते हैं कि भैया हमारे इनके जितने भी रिलीजियस लीडर हैं वो ये चाहते हैं कि सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमारे लद्दाख के और लेह के अंदर भी लगाया जाए। तो इन लोगों ने साहब जितने भी हैं इनके जो पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर्स हैं इन्होंने सबने रिजाइन कर दिया, जबकि जो बीजेपी के खुद के नेता थे दोस्तों उन्होंने भी रिजाइन कर दिया कि भैया हमको ये हमारा ऑटोनोमस काउंसिल या हमारे राज्य देश जगह के अंदर हमको कुछ खास अधिकार हमारे चाहिए, ये बात कही गई है इन सब लोगों के द्वारा, ठीक है। बस अभी कही गई है, अभी दिया नहीं है दोस्तों, लेकिन ये मांग उठ चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला, देखो अगली न्यूज क्या है। अब ये मेड्स पार्क अब है क्या साहब यहां पर केरला, अब देखो यहां पर एक मेडिकल, देखो होता क्या है दोस्तों, मेडिकल डिवाइस, अगर देखो सबसे पहले समझते हैं साहब ये मेडिकल डिवाइस क्या है, मेडिकल डिवाइस। अब ये मेडिकल डिवाइस का यहां पर ये कहते हैं कि केरला एक साहब एक तरीके से मेडिकल डिवाइस पार्क। अब दोस्तों ये मेडिकल डिवाइस पार्क क्या होता है, सबसे पहले यहां पर आप समझना है मेडिकल डिवाइस साहब वो सर्जिकल, वो साहब एक तरीके से जो डॉक्टर के लिए वो इक्विपमेंट्स, उसे हम मेडिकल डिवाइस बोलेंगे, जिसको बनाने के लिए जैसे कि साहब कोई कार्डिक इमेजेस हो गई, CT स्कैन हो गई, एक्सरे मशीन हो गई, ये MRI हो गई, अल्ट्रासाउंड हो गई, आपने ये सब चीजें आपने सुनी होगी, ठीक है। तो इसे से अपन क्या बोलते हैं मेडिकल, ये शायद नेक्स्ट लिया नहीं है, द फॉलोइंग हैज बीन लर्नड, ठीक है तो ये है नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो यहां पर हमने देखा है साहब मेडिकल डिवाइस ये होते हैं, मेडिकल डिवाइस वो चीजें होती है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ दवाई नहीं होती दोस्तों। फार्मास्यूटिकल्स का मतलब होता है सिर्फ दवाई, लेकिन मेडिकल डिवाइस का मतलब होता है, गुड मॉर्निंग प्रियंका, तो मेडिकल डिवाइस का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ साहब दवाइयां नहीं, जबकि अगर हम बात करते हैं कई सारी दूसरी चीजें जैसे कि साहब कोई उपकरण होगी, कोई साइंस, यानी साहब एक अलग डिवाइस बनाना, ये खुद में एक अलग कला होती है, जैसे एक अलग फोन बनाना अलग कला होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाना अलग
अलग कला होती है, उसी तरीके से अलग अलग ये सब टेक्नोलॉजी वाली ये चीजें बनाना ये भी एक अलग कला होती है। तो हम यहाँ पर हमको देखने को मिला है अलग अलग, जैसे कि साहब यहाँ पर ये सीटी स्कैन हो गया, एक्सरे मशीन हो गई है ना, एमआरआई हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ये सारी चीजें जो होती है इसको बनाने के लिए प्रॉपर यहाँ पर एक पार्क बनाया गया है, एक मेडिकल डिवाइस बनाने के लिए पार्क, जो किधर बनाया गया दोस्तों, तिरुवनंतपुरम के अंदर बनाया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं तिरुवनंतपुरम किधर है, केरला। तो इसका दोस्तों नाम क्या है, इसे बोलते क्या है, मेड्स पार्क। तो ये मेड्स पार्क कुछ नहीं है दोस्तों, मेडिकल डिवाइस बनाने के लिए एक प्रॉपर जगह बनाई गई है, जहां पर आप कितने भी साहब कंपनियां आकर अपने मेडिकल डिवाइस बना सकती है, उन्हें सरकार द्वारा साहब सहूलियत दी जाएगी। तो एक बहुत ही अच्छा कदम है मैं बोलूंगा। देखो इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी साहब यहां पर कंपनियां होती है, चाहे वो साहब फोन की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हो, चाहे वो मेडिकल स्टाफ की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हो, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी होती है ये एक तो इसके अंदर साहब मेहनत बहुत कम है और पैसा बहुत ज्यादा है। तो यहां पर क्या है, अच्छा पैसा देखने को मिलेगा हमको केरला के लोगों के पास में, अगर ये एक तरीके से हिट होता है और अगर ये एक्सपोर्ट बढ़ा देते हैं तो, हिंदुस्तान में भी बेचते हैं तो भी इनको अच्छा पैसा मिलेगा। तो खैर फिलहाल केरला की सरकार ने अभी ये मेड्स पार्क के साथ क्या की है, एक तरीके से ये शुरुआत की, इसकी घोषणा की है। किधर की है दोस्तों, तिरुवनंतपुरम में ये वाली चीजें करेंगे। नेक्स्ट न्यूज के अंदर क्या है, तो ये मेड्स पार्क तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट ये साहब, अभी हाल ही के अंदर जो गुरु नानक साहब है साहब, जो हमारे सिख धर्म के संस्थापक है, जिनका नाम है गुरु नानक, इनकी हम ये देखते हैं कि साहब 481st साहब डेथ एनिवर्सरी है। तो 481वीं साहब ये डेथ एनिवर्सरी है, 481st गुरु नानक की बात करेंगे तो इन्होंने सिखिज्म की शुरुआत करी। अगर हम बात करते हैं सिखिज्म की शुरुआत क्यों हुई, तो मैं आपको शॉर्ट के अंदर इसे बताता हूं। हुआ क्या था दोस्तों, हमारे समाज के अंदर बहुत ज्यादा एक कुरीतियां थी, कुरीतियां का जिसे हम बोलूंगा साफ शब्दों में तो कास्ट सिस्टम और ऊंचा और नीचा वाली प्रथाएं, जिसने हमारे समाज को अंदर से सही में बहुत खोखला कर दिया था, बहुत ही कमजोर कर दिया था। यही कारण था दोस्तों कि जितने भी बाहर से आक्रामक लोग आए, तो यही होता था कि साहब बाहर से सेना हरी वो बहुत बड़ी होती थी और हमारे यहां पर लड़ने वाली सेना बहुत सीमित होती थी। हमारे यहां सेना हमेशा सीमित क्यों होती थी, क्योंकि हमारे यहां पहले से स्ट्रक्चर्स बन जाते थे कि भैया ये लोग लड़ाई करेंगे, ये लोग पूजा करेंगे, ये लोग साफ सफाई करेंगे, ये लोग व्यापार करेंगे, ये लोग घड़े बनाएंगे, ये लोग रखवाली करेंगे, यानी प्रॉपर कास्ट सिस्टम हो गया था। लेकिन वहां पर अगर इस्लाम के अंदर बात करते हैं, अगर हम उसी समय के हिंदुस्तान और इस्लाम को कंपेयर करते हैं, ये था सब अरब, और यहां पर जो कॉन्सेप्ट था दोस्तों वो इक्वालिटी का था। इस्लाम कॉन्सेप्ट, इस्लाम, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, ये सारे धर्म अगर कोई बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी की बात करते हैं। इनका मतलब है अगर इंसान एक तरीके से पैदा होता है तो वो साहब इक्वल है, उसके अंदर ऊंचा नीचा नहीं हो सकता। लेकिन हमारे समाज के अंदर कुछ कुरीतियां थी जो साहब समाज के अंदर ऊंचा नीचा और जातिवाद की बातें करती थी, जिस वजह से हमारा समाज दूसरे समाजों से एज कंपैरिजन में कमजोर हो गया था। इसी कारण से उनकी सेनाएं बड़ी होती थी और हमारे यहां पर इतनी जनसंख्या होने के बावजूद हमारी सेनाएं बहुत कम होती थी, इस वजह से कमजोर भी होती थी। तो यहां पर एक चीज समझेंगे, तो ये जो व्यक्ति थे जिनका नाम था गुरु नानक, इन्होंने ये बोला कि साहब ये इन्होंने इक्वालिटी की बात की, इसलिए सिखिज्म का जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि साहब सिखिज्म के अंदर सारे लोग बराबर होंगे, इक्वल होंगे। हालांकि फिर भी सिखिज्म के अंदर कुछ दलित होते हैं, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट, गुरु नानक साहब का कॉन्सेप्ट ये था कि एवरीबॉडी इज इक्वल, सभी लोग बराबर होंगे सिखिज्म के अंदर। तो ये बात इन्होंने फैलाई, इस बात से प्रभावित होकर कई सारे लोगों ने सिखिज्म को अपनाया और इनकी बात मानी। ये एक थिंकर थे, एक विचार करने वाले लोग थे, घूमने वाले लोग थे, इन्होंने सभी धर्मों को समझा परखा और बाद में अपना खुद का एक धर्म की स्थापना की। इनका नाम था गुरु नानक, ठीक है। चलिए, इन्होंने देखो एक बहुत ही शांतिपूर्व एक धर्म की स्थापना करी थी, लेकिन जब मुगलों ने यहाँ पर इनके कई सारे गुरुओं को मारना शुरू कर दिया, तब ये जो धर्म था या फिर जो कौम थी ये बहुत ही आक्रामक हो गई और ये मार्शल कौम बन गई। इसके पहले बहुत ही शांत कौम मानी जाती थी, ठीक है। तो साहब सिख का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, लर्नर या डिसाइपल, यानी साहब एक तरीके से शिष्य। अगर बात करते हैं, इन्होंने साहब पोएट्री हो गई, म्यूजिक हो गया, सॉन्ग्स हो गया, स्पीचेस हो गई, यहाँ पर भगवान की बात इन्होंने करी। इन्होंने साहब जितने भी जो गलत सामाजिक प्रथाएं थी उनके ऊपर आक्रमण किया, कास्टिज्म के खिलाफ इन्होंने बोला, ठीक है। इन्होंने ये भी बात किया कि साहब औरतें आदमियों के बराबर होती है, ये खास बात थी जिससे कई सारे लोग इनसे प्रभावित हुए और उन्होंने सिख धर्म को दोस्तों अपनाया। नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर, अगर बात करते हैं अभी, चलिए ये तो पुरानी न्यूज का आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, यहां पर हम ये देख सकते हैं के ठीक है, मेडिकल डिवाइस की यहाँ पर बात कर रहा है, फिर से थोड़ा देख लेते हैं इसको भी। तो ये पिछली न्यूज है, हमने देखा था तिरुवनंतपुरम के अंदर मेडिकल डिवाइस के लिए एक पार्क बनाया गया, खास तौर से केरला के अंदर। यहाँ पर ये बताता है कि मेडिकल डिवाइस बनाना कोई हलवा नहीं है, कोई आसान चीज नहीं है। इसके अंदर आपको टेक्नोलॉजी होगी, जैसे कि इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटीरियल साइंसेस और इंफॉर्मल टेक्नोलॉजी, जो हम IT बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब की मिलीभगत से ही साहब यहाँ पर हम एक तरीके से क्या बना सकते हैं, मेडिकल डिवाइस बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे इसके अंदर। चलिए अब यहां पर ये एक और न्यूज है, न्यूज कुछ यहां पर होगी,
चलिए यहां पर ये है। अब देखो साहब, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसके अंदर जो संस्थान बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है दोस्तों, इसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। देखो सुप्रीम कोर्ट इतना इन्वॉल्व क्यों होता है, हमेशा कई सारे प्रश्न पूछेंगे बच्चे, क्या सर सुप्रीम कोर्ट को सब कानून बनाने का अधिकार है? बहुत ध्यान से सुनना, सुप्रीम कोर्ट के पास बिल्कुल दोस्तों कानून बनाने का अधिकार नहीं। लेकिन फिर बार बार सुप्रीम कोर्ट क्यों कानून बनाता है, क्यों साहब सुप्रीम कोर्ट रूल बताता है? जैसे कि हाल ही के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ये बोला था 2-3 साल पहले कि भैया जितनी भी डीजल वाहन है वो साहब दिल्ली में बैन हो जाएंगे, और बाकायदा बैन कर दिए गए। ऐसा क्यों किया गया दोस्तों? ऐसा इसलिए किया जाता है दोस्तों कि जुडिशरी ये सारे काम तभी करती है जब पार्लियामेंट फेल हो जाती है, और कांग्रेस के काल में तो दोस्तों पार्लियामेंट बहुत तगड़े तरीके से फेल हो गई थी। तो जब भी पार्लियामेंट फेल हो जाती है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में तो ये चीज लिख रखी है कि भैया यहां पर आपको साहब जीने का अधिकार है, जीने का अधिकार संविधान में दे रखा है, तो जीने के अधिकार के लिए लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास में कि भैया आपने संविधान में तो जीने का अधिकार दे रखा है, लेकिन फिर आप ये बोलते हो कि साहब यहां पर दिल्ली में तो बहुत जहरीली गैस है, तो हम कहां स्वच्छ, हमारे पास गैस है, हमारे पास कहां स्वच्छ वायु है, तो जीने का अधिकार नहीं है, तो एक तरीके से हम मार रहे हो आप हमको। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की बात समझी और सुप्रीम कोर्ट ने साहब कई सारे साहब ये कई कंपनियां बंद करवा दी, कई सारे साहब डीजल वाहन बंद करवा दिए, सुप्रीम कोर्ट ने किया दोस्तों ये, क्योंकि हमारी उस टाइम की जो पार्लियामेंट थी बहुत ही फर्जी थी। ठीक है, कांग्रेस वाली पार्लियामेंट ने कुछ काम नहीं किया। अगर हम बात करते हैं यहां पर तो सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो एनवायरमेंट पोल्यूशन तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। अब देखो एक और बड़ा कारण जो साहब दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का होता है दोस्तों, वो ये होता है कि दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं थोड़ी ज्यादा लग रही है, लिखा हुआ आर्टिकल क्लियर नहीं दिख रहा है, ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर देना। चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर इसके अंदर, यहां पर इसमें बात करते हैं। ठीक है, अगर देखो यहां पर ये लो बच्चे, ये इसको बड़ा कर देते हैं। चलिए अब देखो होता क्या साहब, होता यह है दोस्तों कि साहब यहां पर जो हमारा दिल्ली है, दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के पास में एक देश राज्य आता है यूपी, हरियाणा और पंजाब। देखो दोस्तों होता क्या है, दिल्ली के जस्ट पास में छठे हुए जो राज्य हैं, चाहे वो पंजाब मान लो, पंजाब मान लो, हरियाणा मान लो या यूपी मान लो, ये क्या करते हैं दोस्तों, अपनी फसलें कटने के बाद में इनकी जो बची हुई साहब जो इनका बच्चा है उसे पूर्ण रूप से जला देते हैं। जलने के बाद में क्या होता है, इनकी जगह की भी नहीं खाती है, और इनका ये करते हैं आमतौर पर अपनी फसलें की जो बची हुई चीज होती है जो काम की नहीं होती उसे जला दिया जाता है। जब ये सारी की सारी अपनी फसलों को जलाते हैं, जो बचा हुआ माल को जलाया जाता है, तो उससे भारी प्रदूषण पैदा होता है जो यूपी और उसके क्षेत्र में तो होता ही है, लेकिन खास तौर पे जो दिल्ली जो पहले से ही प्रदूषण से प्रभावित है वहां पर और ज्यादा प्रदूषण हो जाता है। तो हाल ही के अंदर साहब यहां पर दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही के अंदर जो एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उससे यहां पर ये जो साहब जो फसलें जलाई जाती है पंजाब और हरियाणा के अंदर उसे एक तरीके से रिपोर्ट मांगी कि भैया क्या सिस्टम रहेगा आने वाले समय में, क्या फिर से वही सिचुएशन होगी जो साहब वहां पर पहले हुई थी, या फिर सिचुएशन क्या है इसका मेरे को थोड़ा मुआयना देंगे। अब यहां पर देखो हमने एक सिस्टम के बारे में दोस्तों पढ़ा था, मैंने तुमको सिस्टम बताया था, हाल ही के अंदर सिस्टम आया है, इसका नाम क्या है दोस्तों, सफर। सफर क्या है? सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च, जिसके तहत जो केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है, हमारी एक सैटेलाइट है। ये कैसे काम करेगा दोस्तों, हमारी सैटेलाइट है जिसका नाम है दोस्तों एनसैट, और ये एनसैट 3 इसका जो सैटेलाइट है, ये जो सैटेलाइट है ये हमको ये बताएगी कि यहां पर ये बताएगी कि कितना साफ ऊपर से हमको कितना क्या दिख रहा है कि कितना पोल्यूशन है, ये सैटेलाइट की मदद से, और नीचे भी रह के मदद से ये बताएगी कि साहब दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों के अंदर साहब कितना पोल्यूशन है। तो ये रिपोर्ट किसको साहब पेश की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट को पेश की जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। अच्छा अब यहां पर देखो एक और इसके अंदर खास बात है, ये हो गया ये। अच्छा चलिए अब देखो ये रहा, ये मैंने जैसे बोला कि सफर ये जो इनिशिएटिव है ये किसकी तरफ है, हमारा जो मंत्रालय है इसके द्वारा साहब उसके द्वारा किया जाता है, जिसके अंदर किसी भी जगह की एयर क्वालिटी, देखो सफर सिस्टम की जैसे मैंने बात करी थी कि भैया ये सैटेलाइट से भी इमेज लेता है और हमारे यहाँ बकायदा नीचे भी पता करता है कि हर जगह की साहब यहाँ पर एयर के अंदर क्वालिटी के अंदर पोल्यूशन कितना है, और ये रिपोर्ट ये सेम पेश करेगा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, यहाँ पर ये किसके द्वारा बनाया गया सिस्टम, ये साहब IIT पूना के द्वारा साहब ये बनाया गया है, यानी जो सफर सिस्टम है ये हमने विदेश से खरीदा नहीं है, ये हमारी खुद के IIT संस्थान साहब आजकल बहुत ही अच्छे उपकरण बना रहे हैं जिससे हमको पोल्यूशन के बारे में पता लगेगा, नहीं तो पहले छोटी छोटी चीजें साहब हम बाहर से ये साहब इंपोर्ट करते थे। अब नेक्स्ट न्यूज क्या है दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज ये है कि यहां पर एक खास तौर से एक हार्मोन है, जेसमोनेट हार्मोन एंड राइस प्रोडक्टिविटी। अब देखो ये हार्मोन है, इसका नाम है जेसमोनेट। अब देखो यहां पर क्या होता क्या है दोस्तों, मैं आपको खास एक चीज बताता हूं कि अब एक चीज बताता हूं मैं आपको,
आपने साहब अगर कभी कुछ चीज उगाई है, देखो मैंने तो चीजें उगा रखी है, तो मुझे ये चीज पता है कि कभी भी अगर मान लो कोई सब्जी वगैरह उगती है, अगर सब्जी का सिर्फ हम बीज डाल देते हैं तो उसमें सब्जी बहुत लिमिटेड निकलती है, या फसल होती है बहुत लिमिटेड निकलती है, जय हिंद करण। अगर उसी के अंदर अगर हम अलग अलग तरह के हार्मोन डालते हैं दोस्तों, हार्मोन का मतलब कुछ नहीं, आसान भाषा में बात करूं तो अलग अलग तरह की दवाइयां डालते हैं, तो उन दवाइयों से वो सब्जी इतनी फास्ट तरीके से निकलती है, लौकी इतनी बड़ी हो जाती है, भिंडी रोज एक पावल छोटे से पौधे में से निकल जाती है, तो इतनी ज्यादा ये सब्जियां निकलना होती है दोस्तों। सोचो इतना बड़ा देश है साहब, तो यहां पर इतनी सब्जियां आती कहां से, रोज इतना लोग सब्जियां खाते हैं, ये हार्मोन्स के द्वारा दोस्तों सब्जियां पैदा की जाती है, हार्मोन्स के द्वारा सब्जी पैदा की जाती है, यही कारण है कि इतने बड़े देश का साहब पेट भरा जा सकता है। अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो ये एक तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट, ये साहब नई दिल्ली के अंदर एक संस्थान है जिसने हाल ही के अंदर एक स्पेशल हार्मोन है जिसका नाम है जसमोनेट, जो कि साहब क्या करेगा यहां पर, ये साहब एक तरीके से देखो होता क्या साहब, यहां पर किसी भी जमीन में अगर उसके अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा है, पोटेशियम किसी को नहीं पता तो छोटा सा एक मिनरल होता है, छोटा सा एक पदार्थ होता है जो मिट्टी में पाया जाता है, अगर किसी मिट्टी में पोटेशियम की कमी है अगर उसके अंदर ये, और तो साहब वहां पर चावल नहीं उगाया जा सकता, पोटेशियम की कमी, जब वहां पर पोटेशियम भरपूर होगा किसी मिट्टी के अंदर तो वहां पर चावल उगाया जा सकता है और बहुत अच्छा उगेगा। तो यहां पर इन्होंने क्या किया है दोस्तों, कृत्रिम रूप से या फिर आर्टिफिशियल रूप से एक साहब यहां पर इन्होंने एक बनाया है, इसे बोलते हैं हार्मोन, जिसका नाम है दोस्तों जैस्मोनेट। जैस्मोनेट हार्मोन जैसे ही डालेंगे उस वैसे ही साहब राइस के अंदर उत्पत्ति या फिर राइस का प्रोडक्शन एकदम से बढ़ जाएगा। ये और किसी ने नहीं, नई दिल्ली स्थित एक साहब ये रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर शोध संस्थान ने दोस्तों काम करा रखा है। तो यहां पर हमें ये पता होना चाहिए कि साहब जैस्मोनेट क्या है, जैस्मोनेट खुद में एक साहब क्या है, एक हार्मोन है जो कि साहब राइस की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। बस इतना हमारे लिए काफी है, बाकी इतनी चीज ये इतना काफी हमारे लिए, जैस्मोनेट इसका नाम है। अगर बात करते हैं यहां पर, अब ये बहुत ध्यान से सुनना, आपने दोस्तों हरित क्रांति या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में सुना होगा, ये सर हार्मोन हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं, क्या हार्मोन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से सुनना इसके अंदर, रवि चौधरी जय हिंद। चलिए अब यहां पर बात करते हैं, अब ग्रीन रेवोल्यूशन की दोस्तों बात करते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन में ये देखेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन कौन से सन में था, 1960 में, हमने 1960 के दशक में आया था दोस्तों, इसे बोलते हैं हरित क्रांति, बहुत ध्यान सुनना, हरित क्रांति या फिर दोस्तों ग्रीन रेवोल्यूशन, हमने देखा था किस तरीके से हमारे देश के अंदर शास्त्री जी के काल के अंदर खाने की चीजों में कमी थी, जिस वजह से कई सारे अकाल पड़े थे, और अमेरिका ने, गुड मॉर्निंग टेक्निकल, अमेरिका ने साहब वहां पर जो जानवरों को धान खिलाया जाता था वो हिंदुस्तान ने भेजा था और हिंदुस्तान के लोगों को वो खाना पड़ा था। लेकिन अगर बात करते हैं यहां पर, फिर हिंदुस्तान के अंदर यहां पर एक हार्मोन आया था जिसका नाम था गिबरेलिन, और ये हार्मोन ने क्या किया था, 1960 के अंदर हमने हार्मोन ये साहब सीड में डाला था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ था कि हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा हरित क्रांति आई थी और बहुत ज्यादा माल का उत्पादन हुआ था, ये चीज हुई थी। अगर यहां पर बात करते हैं फ्यूचर एग्रीकल्चर, तो यहां पर हमको इसी तरीके से इनपुट एफिशिएंट यानी इसी तरीके से नए हार्मोन और नई टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी, जिस वजह से हम ज्यादा उत्पादन कर सके और हम खुद को तो खिलाएं विश्व भर में एक्सपोर्ट भी कर सके, जिस वजह से हमारा देश और पैसे वाला बन सके, किसानों की आय बढ़ सके। गुड मॉर्निंग गुजरात, यहां पर खास बात है। अगर नेक्स्ट बात करेंगे, अब ये स्कीम है दोस्तों, इसका नाम क्या है, सूची स्कीम। तो ये सूची स्कीम क्या है दोस्तों, हाल ही के अंदर यहां पर, अब यहां पर साहब ये सूची स्कीम लॉन्च की है किसने, यहां पर ये आसान भाषा में बात करूंगा, देखो हुआ क्या है, ये एक स्कीम लॉन्च की गई थी यहां पर, कहां पर, कर्नाटका के अंदर, कर्नाटका के अंदर स्कीम लॉन्च की गई थी। अब यहां पर ये लॉन्च की गई थी साहब कांग्रेस सरकार द्वारा, ये कुछ नहीं, सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड करती है लड़कियों को। अब हुआ ये है कि भैया क्योंकि कांग्रेस की स्कीम थी, अब कर्नाटका सरकार ने स्कीम को बंद कर दिया है। लेकिन देखो ये जो स्कीम थी, कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है, ये जो स्कीम थी बहुत अच्छी स्कीम थी, जितेंद्र गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छी स्कीम थी क्योंकि स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों को जो गांव वगैरह में ज्यादा होती है, उनको कई बार ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, कई बार उनको मदद नहीं मिलती है फाइनेंशियली, तो उनको फ्री के अंदर सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड करती थी। तो न्यूज में इसलिए क्योंकि सूची स्कीम है एक बहुत अच्छी स्कीम, लेकिन कर्नाटका की सरकार ने इसको पैसा नहीं दिया है, जिस वजह से बहुत विवाद में है, ऐसी स्कीम में पैसा देना चाहिए। तो सूची स्कीम अभी हाल ही के अंदर इसलिए बहुत ज्यादा विवाद में फंस चुकी है। नेक्स्ट बात करेंगे, अब ये एक अगला प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है युवा प्लेटफॉर्म। देखो युवा प्लेटफॉर्म क्या है, रिसेंटली गवर्नमेंट हैज लॉन्च द युवा मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म टू मेक यंग पीपल करियर रेडी। हमारे देश में जैसे मैंने बोला कि एक बहुत ही खास बात यह है कि साहब यूनिवर्सिटी से तो बच्चे पास हो जाते हैं लेकिन नौकरियों का तो पता नहीं है, इसलिए स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। और साथ साथ में यहां पर एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया सरकार के द्वारा जिसका नाम है दोस्तों युवा प्लेटफॉर्म, जिसके लिए उसमें यह बताया जाएगा कि भैया उनको करियर रेडी किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि यहां पर ये क्या बात कर रहे हैं, फाउंडेड
ये अगर बात करें एम्स टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड ठीक है, ये कह रहे हैं कि किस तरीके से आप कौन कौन से भाई आपने कौन सी इसके अंदर ये क्या करेंगे, सिर्फ गाइडेंस देंगे एक तरीके से कि भैया आपने फलानी फलानी डिग्री कर रखी है तो आप फलाने फलाने अब ये धंधे हैं यहाँ पर, सब आने वाले समय के अंदर यहाँ पर ग्रोथ बहुत ज्यादा है, तो क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ बहुत ज्यादा है तो आप आए यहाँ पर इन्वेस्ट करें और अपना एक तरीके से काम जो है एक तरीके से इस क्षेत्र में लगाएं तो भविष्य के अंदर आपको यहाँ पर नौकरियां मिल सकती है। तो युवा प्लेटफॉर्म एक सरकार का प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, नए उद्योगपतियों नए बिजनेस को प्रमोट करने का काम कर रही है और ये वो काम कर रही है जो यंग जनरेशन आ रही है जिसके पास काम नहीं है उसे करियर रेडी है, फिर उनका करियर के एक दिशा देने के काम कर रही है। तो युवा प्लेटफॉर्म दोस्तों किससे संबंधित है, सिंपल आपसे प्रश्न आएगा जो नई जनरेशन के युवा है उनके करियर को बनाने से सरकार की स्कीम ये संबंधित है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे आगे दोस्तों, ये एक नई चीज हमने बना दी है, ये और कुछ भी नहीं है, अगर इसका मैं थोड़ा अभ्यास कहते हैं इसको, ये और कुछ भी नहीं है, एक अनमैंड एरियल व्हीकल है दोस्तों। ये अभ्यास अनमैंड एरियल व्हीकल क्या है, अगर ये अभ्यास अनमैंड एरियल व्हीकल की बात करते हैं तो ये एक तरीके से क्या करता है, किसी भी जगह अगर मान लो कोई मिसाइल आ रही है या फिर अगर कोई मिसाइल साहब किसी देश ने हमारे पे छोड़ दी है तो ये अनमैंड एरियल व्हीकल के ऊपर बकायदा कैमरा लगा रहता है जो सीधा जाके उसके साथ में एक तो निगरानी भी रखेगा कि भैया कौन सी मिसाइल किधर से आ रही है, कई बार उसे टकरा भी देगा, उसको फोड़ भी देगा और कई बार एक बम का भी काम करेगा और साथ साथ में एक कैमरे का भी काम करेगा कि भैया कौन से किधर क्या संस्थान है। तो एक तरीके से डीआरडीओ ने कौन सी फलानी चीज बना दी है, अभ्यास बना दी है जिसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है और यहां पर ये क्या है साहब, डीआरडीओ ने इसको बना दिया है अभ्यास हाई स्पीड एरियल टारगेट। अगर किसी मिसाइल पे छोड़ना है तो मिसाइल पे जाके सीधा लगेगा, अगर किसी जगह पे छोड़ना है तो वहां पर जाके सीधा लगेगा और बकायदा इसके अंदर दोस्तों कैमरा भी है। अब ये न्यूज जो मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूं, ये न्यूज क्या है, हम बात करते हैं इस न्यूज की, देखो इंडियन ओशन दोस्तों ये है, जैसे आपको मैप में दिख रहा होगा हिंदुस्तान है इधर, इधर ये अफ्रीका है, इधर ये दोस्तों पूरा इंडियन ओशन है। अब ये इंडियन ओशन न्यूज में क्यों है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो इंडियन ओशन की बात करते हैं तो इंडियन ओशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा बड़े ट्रेड रूट से संबंधित है। यहां पर हम बात करेंगे ट्रेड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो ट्रेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है बहुत पहले के काल में, हम ये देखते हैं आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि भैया ये जो ट्रेड रूट है ये शुरुआत होता है यहां से अरब से और यहां से भी साहब लोग ट्रेड करते आते हैं, ये सब हिंदुस्तान के अंदर ट्रेड करने को आते हैं सारे अरबी लोग और यहां से अफ्रीका से ये सब ट्रेड करके हिंदुस्तान में आते हैं, हिंदुस्तान में आगे ट्रेड रूट जाता है यहां पर आसियान देशों के अंदर जो मुख्य रूप से दोस्तों दो देश हैं, कौन कौन से, एक का नाम है मलेशिया और दूसरे का नाम है दोस्तों इंडोनेशिया, और मलेशिया इंडोनेशिया से यहां पर आ गया बच्चे दक्षिणी चीन सागर जिसे हम साउथ चाइना सी भी बोलते हैं, यहां पर वो आ गया, तो यहां पर अरब, यहां पर हिंदुस्तान, यहां पर आसियान और यहां पर चीन, तो ये सारे के सारे लोग आते हैं हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान से आगे की तरफ ये ट्रेड जाता है, ठीक है, ये सारे लोग हिंदुस्तान में आए। तो प्रश्न ये उठता है कि भैया ये सारे लोग हिंदुस्तान में क्यों आता है, क्योंकि देखो यहां पर खास तौर पे एक खास चीज ये है कि हिंदुस्तान के अंदर देखो होता क्या है, यहां पर दोस्तों कुछ पवने चलती हैं जो अप्रैल से सितंबर के महीने में चलती हैं जिन्हें हम बोलते हैं मानसून पवने, ये पवने नीचे से ऊपर की तरफ आती है तो अगर कोई जहाज यहां पर है तो वो अपने आप ही सब हवा के साथ में हिंदुस्तान में आ जाएगा और ये सब नवंबर से फरवरी के महीने में ये पवने ऊपर से नीचे की तरफ आती है यानी इस डायरेक्शन में वापस आती है, तो अगर कोई साहब यहां पर कोई जहाज खड़ा हो जाए तो हवा की मदद से यहां तक आ जाएगा और बाद में अपने घर चुपचाप चला जाएगा, यानी इसे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हवा के द्वारा आएगा और हवा के द्वारा वापस चला जाएगा, ये खास बात है दोस्तों इन पवनों की, तो इस पवनों की मदद से हिंदुस्तान में व्यापार बहुत आसानी से होता था। अब देखो होता क्या है दोस्तों, यहां पर एक चीज समझेंगे, व्यापार सिर्फ और सिर्फ ट्रेड नहीं है, ट्रेड इसके साथ साथ में यहां पर किसी भी जगह जहां पर व्यापार पनपता है वहां पर पैसा पनपता है, वहां पर कल्चर पनपता है, क्योंकि पैसे के साथ में साहब ही कल्चर पनपता है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कल्चर कैसे होगा, तो पैसे के साथ में ही कल्चर पनपता है, पैसा पनपेगा वहां पर कल्चर पनपेगा, वहां पर ट्रेड रूट्स पनपेंगे, वहां पर लोग पनपेंगे, वहां पर सिविलाइजेशन पनपेगी दोस्तों, सिविलाइजेशन या फिर जगह भी वहीं पनपेगी जहां पर पैसा है, ठीक है, और वहीं पर साहब धर्म भी पनपेंगे जहां पर पैसा होगा, ये सारी, और वहां पर भी पॉलिटिकल एंबिशंस पनपेंगे। हिंदुस्तान के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों ने आके आक्रमण क्यों किया, क्योंकि उन्हें पता था कि हिंदुस्तान में पैसा बहुत है। हिंदुस्तान में दोस्तों पहले पैसा क्यों हुआ करता था, इसका एक मुख्य रूप से कारण यह था कि हिंदुस्तान कई सारी चीजों का एक्सपोर्ट जरूर करता था लेकिन खरीदता कुछ भी नहीं था, ठीक है, कई सारी चीजें बनाता था, बेचता था अरबियों को, अरबी आगे जाके उसे यूरोप में बेचते थे, पर हिंदुस्तान कुछ खरीदता नहीं था, बदले में वो क्या देते थे हिंदुस्तान को, सोना, इसलिए हिंदुस्तान में सोना बहुत था, इसलिए हिंदुस्तान में दोस्तों हमला हुआ, तो ट्रेड रूट पर पैसा होगा और उधर ही पॉलिटिकल एंबिशन
नेशंस होंगे। अब देखो यहां पर एक चीज देखते हैं, ये वाला आसियान देशों का मैप है। अब यहां पर एक चीज समझना, यहां पर ये जगह लिख रखी है दोस्तों, इसका नाम है मलक्का स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, दो जमीनों के बीच में दोस्तों जो पानी का स्रोत होता है, पानी की जगह होती है, या जो बीच में जो पानी होता है, उसे हम दोस्तों जल संधि हिंदी में और इंग्लिश में स्ट्रेट कहते हैं। यहां पर हम बात करते हैं दूसरा, यहां पर स्ट्रेट है दोस्तों, यहां पर यह पिक्चर कट गई, और इसका नाम है दोस्तों सुंदा स्ट्रेट। तो यहां से भी जहाज जाते हैं। होता क्या है दोस्तों, यहां पर अगर मैं बात करता हूं इसकी, अगले मैप में आपको और अच्छे समझ में आएगा। यहां पर इस अगले मैप में शायद आ जाए यहां पर ये। चलिए अब देखो होता क्या है, हिंदुस्तान से साहब यहां पर जो व्यापार है ये इधर इस तरीके से जाता है, और यहां पर ये इंडोनेशिया और यहां पर ये मलेशिया के बीच में से यहां पर ये व्यापार धके और बाद में आगे चीन जाता है। इसका मतलब ये है कि जितना व्यापार है वो सारा इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में से होते हुए सब चीन में जाता है। अब हुआ क्या दोस्तों, सारी कहानी क्या है, सारी कहानी ये हुई कि यहां पर ये जो जगह है दोस्तों, यहां पर मलक्का, यहां पर बात करता हूं तो यहां पर कुछ द्वीप है दोस्तों, इसका नाम है अंडमान एंड निकोबार। अब अंडमान एंड निकोबार द्वीप यहां पर है। अब चाइना सारा अपना माल यहां से निकालता है, और यहां से आने के बाद ही जैसे ही आता है, अब जैसे ही सारा चाइना का माल यहां पर आएगा, तो हमारे दोस्तों हिंदुस्तान के यहां पर कुछ द्वीप है जो हिंदुस्तान से तो बहुत दूर है लेकिन इन देशों के बहुत पास में है। ये जो द्वीप है इनका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप। ये अंडमान निकोबार द्वीप की क्या खास बात है, ये इन द्वीपों की ये खास बात है, कल को अगर चाइना हमारे से युद्ध लड़ता है तो हम यहां पर जहाज तैनात करके उनके जितने भी कॉमर्शियल जहाज है उन सबको दोस्तों उड़ा देंगे। इसलिए चाइना यहां से हमसे डरता है, इसलिए वो पाकिस्तान के अंदर साहब वो रोड बना रहा है जिसका नाम है सीपेक। अब बात करते हैं यहां पर हम, तो यहां पर हिंदुस्तान से सारा माल यहां से जाता था। अब देखो यहां पर एक साहब साम्राज्य हुआ करता था, इसका नाम था सी विजय एम्पायर। अब देखो हम यहां पर ये चीज समझेंगे कि किस तरीके से हिस्ट्री हमको क्या खास बातें बताती है, किस तरीके से चाइना से रिलेशन, आसियान देशों से रिलेशन, भौगोलिक रूप से, ज्योग्राफी के रूप में और ट्रेड के रूप में क्या हमको चीजें बताती है। देखो ये चीज हमको समझनी पड़ेगी कि अगर दो देशों के बीच में संबंध सिर्फ और सिर्फ उनके राजनेताओं पर निर्भर नहीं करते, दो देशों के बीच में संबंध निर्भर करेंगे उसकी ज्योग्राफी का लोकेशन, उसकी भौगोलिक स्थिति पर, उनके साथ एक तरीके से दोनों देश के व्यापारों के बीच में, ट्रेड रूट से, या फिर उनकी सेनाओं से। तो ये तीन चार जो चीजें हैं, भौगोलिक स्थिति, सेना, उनके साथ व्यापार, ये तीन चार चीजें ही मिलकर तय करेगी कि दो देशों के बीच में संबंध कैसे होंगे। सिर्फ उनके साथ लीडर डिसाइड नहीं कर सकते। तो यहां पर देखो यहां पर एक साम्राज्य हुआ करता था विजय एम्पायर, और ये हमको कहानी से क्या सीख मिलती है, जो हमारे हिंदुस्तान में जब इंडोनेशिया में विजय एम्पायर हुआ करता था तो हिंदुस्तान में एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर हुआ करता था जिसका नाम था दोस्तों चोला एम्पायर। अब हुआ क्या साहब, ये चोला एम्पायर जो हिंदुस्तान के अंदर था, ये अपना सारा, ये किधर था, चोला एम्पायर तमिलनाडु के अंदर, ये अपना सारा सामान किधर करता था, यहां से सीधा निकाल के, और सीधा यहां से निकाल के और यहां पर चाइना बेचता था, और चाइना धन्यवाद बच्चे। अच्छा यहां पर ये सारा का सारा सामान जो है ये यहां से निकाल के किधर बेचता था, चाइना बेचता था, किधर, यहां पर हिंदुस्तान के अंदर। जब ये रस्ते के अंदर सारा सामान बेचता था तो होता क्या था, ये जो लोग थे, जो विजय एम्पायर के लोग थे, ये बकायदा इन लोगों के ऊपर टैक्स डालते थे और साहब इनसे टैक्स लेते थे, और यहां पर पायरेसी का भी काम करते थे, यानी जहाजों को लूटने का भी काम करते थे। जब ये बात समझ में आई साहब कि इसके चोला लोगों के, लोगों को जो तमिलनाडु में राज करते थे, कहते हैं हिंदुस्तान ने कभी हिंदुस्तान से बाहर राज नहीं किया, लेकिन सच्चाई यह है जो तमिलनाडु के अंदर चोला एम्पायर वाले लोग थे, इन्होंने व्यापार को समझा, इन्होंने ये समझा कि व्यापार के अंदर बहुत पैसा है, और उन्होंने ना कि साहब हिंदुस्तान में पूरे दक्षिण भारत पे कब्जा किया, जबकि उन्होंने इस पूरे क्षेत्र के ऊपर, चाहे वो इंडोनेशिया हो या चाहे मलेशिया हो, इस पूरे के ऊपर कब्जा कर लिया। अब क्योंकि उनका पूरा ट्रेड रूट पे यहां पर पूरा कब्जा हो गया था, तो चाइना के जहाज और हिंदुस्तान के जहाज बहुत आसानी से निकल जाया करते थे, और उनका पूरा पावर हो गया था यहां पर, और उनकी चलती थी। दो प्रमुख राजा थे जिन्होंने काम किया, एक का नाम था राजा राजा वन और दूसरे का नाम था राजेंद्र वन। ये दो बहुत ही पावरफुल शासक हुआ करते थे चोला साम्राज्य के। अब देखो दोस्तों होता क्या है, जब इन्होंने पूरा उसको कब्जा कर दिया, अब देखो यहां पर ये मैप आपको इन्वर्टेड लग रहा होगा, उल्टा लग रहा होगा, लेकिन ये मैप उल्टा नहीं है दोस्तों, हमारी पृथ्वी गोल है, किसी भी एंगल से देखोगे तो आपको वो एक ही चीज है। अब यहां पर एक चीज देखना, यहां पर हम बात करते हैं तो हमको यहां पर ये पूरा चोला एंपायर दिखता है, ये दोस्तों पूरा चोला एंपायर है, और ये यहां पर ये पूरा फैला हुआ है, ठीक है। अच्छा अगर हम बात करते हैं चोला एम्पायर की बात करते हैं, तो देखो एक और चीज खास तौर पे समझना, हिंदुस्तान में आप कई सारी चीजें देखोगे साहब, वहां पर इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर कई सारी, कई बार बौद्ध की मूर्तियां देखोगे, कई बार गणेश जी की मूर्तियां देखोगे, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल मिल जाएगी, कई बार गणेश जी की मूर्तियां देखो, कई बार हिंदू भगवान देवी देवताओं की मूर्तियां देखोगे आप इंडोनेशिया
और मलेशिया में। इसके कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण यह होता है दोस्तों, क्योंकि यहां पर देखो क्या होता है, जमीन के द्वारा जब आप व्यापार करते हो, जमीन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह आप जब अगर कोई चीज भेजते हो तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन समुद्र में आपने एक बार जहाज के अंदर कोई चीज रख दी तो वो सब सीधी आप उस जगह फलानी चीज एट द पॉइंट वहां पर पहुंच जाएगी। ठीक है, जमीन में कई बार बीच में लोग लूट लेते हैं, दिक्कतें होती हैं, दूसरे साम्राज्य होते हैं, लेकिन पानी पे तो किसी का राज हो नहीं सकता, तो सीधा एक जगह से दूसरी जगह आपने जहाज पहुंचा दिया। ये खास बात होती है, बहुत ध्यान से सुनना। अब यहां पर इसीलिए साहब चोला, इसलिए देखो जब पास्ट के अंदर, इतिहास के अंदर जो चोला साम्राज्य था दोस्तों, चोला साम्राज्य के संबंध बहुत अच्छे थे किसके साथ में? इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ में। यही कारण है कि पूरा जो कल्चर था चोला साम्राज्य का वो सेम कल्चर था किसका? इंडोनेशिया और मलेशिया का। ठीक है, और जबकि अगर बात करोगे चोला साम्राज्य की जो हमारे नॉर्थ के अंदर या सब पूर्वी क्षेत्रों के अंदर जब पूर्वी राज्यों की बात करोगे तो उनके साथ में उतने अच्छे संबंध नहीं थे जितने मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ में थे, और बाद में तो जाके इन्होंने साहब इस पे कब्जा ही कर लिया था। अगर हम बात करते हैं चोला साम्राज्य की तो ये साहब यहां पर था, ये पूरा जो आप साम्राज्य देख रहे हो पिंक पिंक में देख रहे हो, जैसे कि हमने देखा कि चोला वाले लोग ये समझ गए थे कि व्यापार में ही पैसा है, तो इन्होंने क्या किया साहब, यहां पर देखो ये पूरा कलिंग, पूरा उड़ीसा और ये पूरी यहां पर बंगाल तक इन्होंने ये पूरा कब्जा कर लिया। ठीक है, ये बाद में क्षेत्र कब्जा कर लिया, ये जो पिंक में जितना भी क्षेत्र दिख रहा है ये भी सारा कब्जा कर लिया। जब देखो यहां पर ये हिंदुस्तान ने, इस पूरे हिंदुस्तान के साथ चोला साम्राज्य ने मलेशिया और इंडोनेशिया पूरे को कब्जा कर लिया था। आज मलेशिया इंडोनेशिया अलग देश है, इस पर पूरा हिंदुस्तान का कब्जा था। टेलीग्राम के चैनल क्या है, बच्चे धाकड़ कॉन्सेप्ट का चैनल है टेलीग्राम पे, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी या सॉरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो अब यहां पर ये जो पूरा क्षेत्र है इसके ऊपर कब्जा कर लिया था। यहां पर एक चीज समझना आप कि जब ये चीज हिंदुस्तान कर रहा था तो इधर पश्चिमी साइड में अरब हुआ करते थे, इधर ये चीन हुआ करता था और बीच में पूरे हिंद महासागर पे हिंदुस्तान का राज था। और जब ये हिंदुस्तान ये चीज कर रहा था तो चाइना के लोगों का भरपूर हिंदुस्तान के लोगों का सपोर्ट था, क्योंकि उनका माल भी बकायदा साहब ये लोग लूटते थे, जो साहब विजय साम्राज्य के लोग थे माल लूटते थे, तो इतना पूरा। अब यहां पर एक चीज समझने को मिलेगी कि ऐसा नहीं है हिंदुस्तान और चाइना के साथ सिर्फ दुश्मन रहे, कभी दोस्त रहे कभी दुश्मन रहे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस किस्से से हमको यह समझ में आती है कि भैया यहां पर बहुत ध्यान से सुनना, चाइना से अगर हमको कहीं पर लड़ना है तो वो साहब जमीन नहीं है, क्योंकि देखो जब हिंदुस्तान की बात करते हो तो यहां पर मुख्य रूप से हिमालय है, जहां पर हिंदुस्तान और चाइना लंबे समय तक नहीं लड़ सकते, वहां पर दोनों की साहब एक तरीके से सीमा है। लेकिन अगर हिंदुस्तान को अगर चाइना से अगर कहीं पर कॉम्पिटिशन या फिर अगर लड़ने को फेस मिल सकता है तो वो और कहीं नहीं दोस्तों, यहां पर यही जगह है जहां पर अंडमान निकोबार द्वीप साहब हिंदुस्तान के है और यहां से ही चाइना का ट्रेड होता है। तो हिंदुस्तान को साहब एलएसी के ऊपर फोकस तो करना चाहिए, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। गुड मॉर्निंग कैलाश। लेकिन यहां पर इस जगह पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास अपनी नेवी को स्ट्रांग रखना चाहिए, क्योंकि वहां पर चैलेंजेस ज्यादा है, वहां पर चाइना से लड़ने भिड़ने के चांसेस दोस्तों ज्यादा है। ये दूसरी बात यहां पर बताई जाती है, हम ये चीज यहां पर समझते हैं। तीसरी बात दोस्तों जो हम यहां पर समझते हैं वो ये समझते हैं इस किस्से से कि भैया अगर चाइना की तरफ अगर कोई रास्ता है, चाइना की तरफ अगर कोई रास्ता है तो वो और कहीं से नहीं आसियान देशों से ही है। यहां पर ये समझेंगे कि अगर हिंदुस्तान और यहां के देशों चाइना के बीच में अगर कोई बीच की अगर कोई राह है तो वो आसियान है। आसियान देशों से होने के बाद में ही हम यहां के लोगों के साथ में, चाहे वो जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो दूसरे देश हो, या इनके साथ में हम ताइवान हो, इनके साथ में हम व्यापार कर सकते हैं। तो इस जगह पर हमारा कंट्रोल होना भी जरूरी है, और बाकायदा हमारे यहां पर खासतौर पर द्वीप है, आपने देख ले होंगे अंडमान निकोबार द्वीप। चलिए ये इतना काफी था, ये पूरी चीज मैंने बताई। अब देखो इसके बाद में भी एक और चीज देखते हैं कि ये तो चोला वाले लोग थे, इनकी एक फोटो यहां पर मिसिंग है। चोला वाले लोगों की ये खास बात है दोस्तों कि इन लोगों ने क्योंकि व्यापार में इतना बड़ा बनाया, तो आपने देखा होगा साउथ इंडिया के अंदर रामेश्वरम जैसे और बृहदेश्वर टेंपल जैसे इतने बड़े बड़े और विशाल मंदिर बने थे। ये ऐसे ही नहीं बन गए थे दोस्तों, ये वर्ल्ड के सबसे बड़े मंदिर थे। एक लास्ट फोटो थी जिसमें मैंने मंदिर भी बनाए थे, लेकिन वो है नहीं, वो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बहुत ही भावी और बहुत ही विशाल मंदिर। ये हिंदुस्तान के नहीं विश्व के सबसे बड़े मंदिरों में आते हैं। तो ये ऐसे ही नहीं बन गया दोस्तों, इसका कारण था कि चोला लोगों का साहब इस पूरे व्यापार मार्ग पर कब्जा था और ये इनके इतना पैसा कमाया कि ये बड़े मंदिर बना सके। तो जैसा मैंने बताया, जहां पर ट्रेड होगा वहीं पर पैसा होगा, वहीं पर कल्चर होगा, वहीं पर धर्म होगा, और वहीं पर साहब ट्रेडिंग सेंटर्स होंगे, तो ये सारा और वहीं पर साहब पॉलिटिकल एंबिशंस होंगे, वहीं पर राजनीतिक हित होंगे लोगों के, जहां पर ट्रेड होगा, इसलिए ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हमने कई सारे एक ही कहानी को लेके, 1000 साल पहले की कहानी को लेके हमने कई सारी भौगोलिक स्थितियां समझी, हमने ये समझा कौन सी चीज क्यों महत्वपूर्ण है, कितनी महत्वपूर्ण है, व्यापार महत्वपूर्ण है, कल्चर महत्वपूर्ण है, दो देशों के बीच में संबंध किस तरीके से कभी अच्छे होते हैं कभी खराब होते हैं, अलग अलग पैमानों पे चीजें समझने की हमने कोशिश करी। हमने चोला साम्राज्य के बारे में भी देखा, हमने उनकी उत्पत्ति, उनके ट्रेड रूट पे कब्जा करने के बारे में भी हमने देखा। चलिए आज के लिए इतना काफी है। इंडियन ओशन के बारे में भी देखा, क्यों इंडियन ओशन इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों अमेरिका इतना इंटरेस्ट इसमें शो कर रहा है।
चलिए आज के लिए इतना काफी है, मैं कोशिश करूंगा और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने लाने की और इंटरेस्टिंग तरीके से लाने की, और भी अगर आपकी इंटरेस्ट होगी तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा टाइम मैनेज करके आप लोगों को और एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कोई चीज दे सकूं। आप अपना प्यार और एक तरीके से जो आप प्यार देते रहते हैं वो आप देते रहिएगा। आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ में कल की क्लास में सेम टाइम पे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।